आज छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण के चुनाव के मतदान प्रचार प्रसार रैलियां दौरे थम चुकी है शाम को। इस संदर्भ राजीव जी आप बताइए कि कांग्रेस ने जन मैनिफेस्टो जो लाया है उनमें आपने ऐसा कौन सा मुद्दा चुना है, मतलब मुद्दा को महसूस किया है जिसको जिससे लगता है कि मतदाता के वोट को प्रभावित करेंगे? कांग्रेस का इस लोकसभा का मैनिफेस्टो आप पूछ रहे जी हैं। जी कांग्रेस के लोकसभा के मैनिफेस्टोज में तो बहुत सारी बातें हैं और उन बातों के संदर्भ में तो एक बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है, मगर अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के मैनिफेस्टो जो हैं उससे ज़्यादा तो पिछली सरकार जो नरेंद्र मोदी की रही उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में जितनी बातें बढ़ चढ़ कर कही उनमें से एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। सारे उनके पिछले 2014 के चुनाव के जितने मैनिफेस्टोस थे सब उनके दावे खोखले साबित हुए। जितनी बढ़ चढ़ के उन्होंने बातें की थी उनमें से एक भी बात सही साबित नहीं हुई। करोड़ों रोजगार आएंगे, खातों में पैसे आएंगे और न जाने क्या क्या बेतुकी बातें उन्होंने अपने चुनाव अभियान में पिछले 2014 में कही। अब बेशर्मी के साथ में बाद में उन्होंने ये कह दिया कि वह तो चुनावी जुमला था। चलो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद में जो कहा वो तो नहीं किया, मगर जो अकल्पनीय था वो जरूर उन्होंने कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने एकाएक आधी रात को जो नोटबंदी की पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब परेशान हुए। लोगों को पैसों की किल्लत हो गई। दिन दिन भर खड़े होकर 2,500 रुपये मिल रहा था। कुल मिला के ऐसे और भाई बहुत सारी बातें रहीं जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई। और अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने का मतलब ये होता है कि जितने उद्योग, कल कारखाने हैं सब बंद हो रहे हैं। जो बड़े कारखाने हैं उनके बड़े तो कारखाने नुकसान में चल रहे हैं। नुकसान में चलने के कारण ये हो रहा है कि उनके बैंक अकाउंट्स NPA हो रहे हैं, बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं। उद्योग कल कारखानों का बंद होना मतलब रोजगार खत्म होना। एक तरफ तो इन्होंने अपनी बढ़ चढ़ के बातें की थी कि रोजगार बड़े संख्या में उपलब्ध कराएंगे, यहाँ तो ऐसी स्थिति आ गई कि रोजगार खत्म हो रहे हैं। उन्होंने जो देश का हाल किया है 5 सालों में एक भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब इस चुनाव में अगर आप बोलने कि महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव का है कि पिछले केंद्र सरकार के 5 साल की वादा खिलाफी और इस प्रदेश सरकार के 5 महीने के अंतराल में ही जो भी वादे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा किया। तो 5 साल बनामा 5 महीने, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहाँ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर अपनी बातें कर रहे हैं और सारे लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 4 महीने में जो कहा वो कर दिखाया। प्रदेश की जनता उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है। विधानसभा में जो कांग्रेस के पक्ष में रुझान आए, बड़ा एक जनादेश कांग्रेस को प्राप्त हुआ, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति इस लोकसभा में कांग्रेस की रहेगी। कहीं ना कहीं आसपास के शहरों में या फिर पूरे देश में मोदी का लहर इस बार भी देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या विचार है? कहाँ क्या लहर देखने मिल रही है? लहर देखने मिल रही है मतलब क्या है लहर? कहीं ना कहीं मोदी की जो लहर है, हाँ 2014 में जो जो मोदी लहर चला था, हाँ तो इस बार लोकसभा चुनाव में ही मतलब जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोदी का ही चेहरा सामने आ रहा नहीं है। तो मोदी का चेहरा आ रहा है ना सामने, बहुत से मामलों में मोदी जी का चेहरा आ रहा है। 2014 और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है। 2000 चुनाव के तो बहुत ही सुनियोजित व्यवस्थित तरीके के साथ में बड़े औद्योगिक घरानों ने 10,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई, एक बहुत ही सुनियोजित व्यवस्थित तरीके के साथ में पूरा प्रचार और प्रसार मोदी जी का किया। और मोदी जी के लच्छेदार भाषण और बड़ी बड़ी बातें, और उससे प्रभावित होकर देश की जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। जो बात दिख रही है खुले तौर पर जो भ्रष्टाचार हुआ है राफेल घोटाले का,
राहुल जी चाह रहे हैं 15 मिनट वो उस पर बैठ के बात कर लें उनसे, अपना स्पष्टीकरण दे दें, बात करने तैयार नहीं है। क्यों बात करने तैयार नहीं है भाई? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, राहुल जी चाह रहे हैं बैठ के आप चर्चा कर लें, तो अगर कुछ गलत नहीं किया है तो बैठ के बात कर लेना चाहिए। नहीं बात कर रहे हैं, बात कौन नहीं करता है, कौन नजरें चुराता है, जो गलत करता है। पूरे प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल में एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। नरेंद्र मोदी जी की लहर की आप बात करते हैं तो एक बार जनता 2014 में उनके लच्छेदार और लोक लुभावनी बातों को लेकर धोखा खा चुकी है, मगर वह लहर किस ओर है यह देखने वाली बात है। धारणा यह है कि नरेंद्र मोदी की, जैसा आपने कहा, लहर है। अब लहरें किस तरफ रहती हैं वो अलग अलग तरह पर रहती हैं। लहरें आती भी हैं तो लहरें जाती भी हैं, तो इस बार की जाती हुई लहर है। तो 11 सीटों के बारे में आपने कहा, तो 11 की 11 सीटें तय है जो कांग्रेस जीत रही है। तो ये थे राजीव वोरा जी, जिनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों से जीत हासिल की जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेश टांडिया के साथ भूषण साहू। सांसद टिकट कटी वाला सांसद टिकट कटी वाला सांसद।